आंदोलन को लेकर आरजेडी आज धरना देने वाली थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है कि धरना की अनुमति जिला प्रशासन नहीं दिया। सुबह से ही राजद कार्यकर्ता गांधी मैदान में जुटने लगे थे। धरना को लेकर सारी व्यवस्थाएं की जा रही थी, तभी जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और धरना स्थल से सामान को हटाने लगी। आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी और यही कारण है कि हम लोगों को धरना स्थल से हटने के लिए कहा जा रहा है। जिला प्रशासन से हम लोगों ने अनुमति मांगी थी, लेकिन जानबूझकर जिला प्रशासन ने सरकार के इशारे पर काम करते हुए धरना की अनुमति नहीं दी है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र के नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन का ऐलान किया। उनकी अगुवाई में महागठबंधन के नेता आज यानी शनिवार को गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देंगे। बीते दिनों हुए राजद कार्यालय में बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के किसान और मजदूर विरोधी फैसलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहभागी हैं। केंद्र सरकार आज जो बातचीत करे वो कानून बनाने से पहले होनी चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के सभी किसानों और संगठनों से बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। बता दें कि केंद्र सरकार जिस तरह का कानून लाई है वो पहले बिहार में लागू हो चुका है। अब किसान संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि नए कानून से बिहार के किसानों को काफी नुकसान हुआ, ऐसे में सरकार को बिहार से सबक लेकर इन कानूनों को वापस लेना चाहिए।